हे फ्रेंड्स, अगर आप नई झाड़ू खरीद कर लाते हैं और आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं उस झाड़ू के डस्ट से, जो झाड़ू का भूसा निकलता है, अगर आप उससे बहुत परेशान हैं, तो वीडियो आप ये जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। तो मेरे चैनल में आगे बढ़ते हैं। और मेरे चैनल में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जब भी हम नई झाड़ू खरीदते हैं दोस्तों, हमेशा हम देखते हैं, जब भी हम झाड़ू लगाते हैं, कितना भी उससे डस्ट निकालें, फिर भी पूरे घर में वो झाड़ू का डस्ट गिरता ही रहता है। ऑलमोस्ट 10 to 20 days, 10 to 15 days तो वो जरूर ही गिरता रहता है। तो नई झाड़ू यूज करने से पहले आप ये ट्रिक जरूर देख लें। झाड़ू के कवर को खोलने से पहले ही हम झाड़ू को जितना हो सके उसके अंदर की डस्ट को निकालने की कोशिश करेंगे। झाड़ू को पटक के, थोड़ा उसके ऊपर मार कर, या झाड़ू को जमीन में पटक पटक कर, जिस भी तरह से आप झाड़ू को थोड़ा थोड़ा टैप करके अंदर के सारे डस्ट को निकालना शुरू करें। ऐसा करने से बहुत सारा डस्ट आपके झाड़ू के पैकेट के अंदर ही जमा हो जाएगा। ये देखिए, अब ये प्रोसेस मैंने कर लिया है और अब मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना डस्ट अंदर ही मेरे निकल चुके हैं, और मैं अगर पैकेट को भी निकालूंगी तो उसमें भी बहुत सारी डस्ट आ चुकी होगी। लेकिन दोस्तों, फिर भी देखिए इतना डस्ट नहीं जमा हुआ है। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द डस्ट जब हम झाड़ू लगाएंगे घर में, तब वो जमा होता जाएगा। तो क्यों ना हम इस झाड़ू के डस्ट को जितना हो सके निकालने की कोशिश करें। तो इसके लिए फिर हम झाड़ू को थोड़ा जमीन में पटक पटक कर साफ करने की कोशिश करेंगे, उसे इस तरह से मसलेंगे थोड़ा, ताकि अंदर की जितनी भी डस्ट हो, देखिए धीरे धीरे बाहर आने लगेगी। और एक ट्रिक, ये बहुत ही कामगार ट्रिक है, यहाँ पे मैंने बड़ी ब्रिजल वाली ली है हेयर कॉम्ब ब्रश। आप चाहे तो रेगुलर कॉम्ब भी ले सकते हैं और उसके मोटे साइड से आप इस तरह से डस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी डस्ट अंदर तक बैठी रहती है। अगर हम अच्छी तरह से झाड़ कर डस्ट निकालेंगे तो मैक्सिमम डस्ट आपका यहीं पे बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं धीरे धीरे कितनी डस्ट निकलने लगी है, और बीच बीच में झाड़ू को हमें पटकते भी रहना है। ये देखिए कितना ज्यादा डस्ट अब बाहर आ चुका है। ये डेली के डेली हमें, मैं इस तरह से थोड़े थोड़े डस्ट को निकाल कर साइड करती जा रही हूँ। हर पैक के बाद, हर बार हम जितनी बार कॉम्ब कर रहे हैं और जितनी बार इसे पटक रहे हैं, इतना डस्ट बाहर आ ही आ रहा है। इसे आप निकाल निकाल कर साइड करते जाएं, और जितनी बार हो सके कॉम्ब को जरा ध्यान से रख के झाड़ू को झाड़े, या झाड़ू को कॉम्ब करें आप कह सकते हैं, ताकि इसमें से मैक्सिमम डस्ट बाहर आए, झाड़ू के जो फूल है वो ना बाहर आ जाए। तो ये फूल झाड़ू हमारी सुंदर बनी रहे, इसके लिए हम उसे बहुत ही केयरफुली झाड़ेंगे और ध्यान रखेंगे कि हमें डस्ट बाहर निकालना है, झाड़ू के फूल को नहीं निकालना है। तो ऊपर में जहाँ से ये फूल बंधी हुई है, उस जगह को हमें बहुत ही टाइटली पकड़ने की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हर पैट में मैंने इतना डस्ट निकाला है, और लास्ट में मैंने बहुत सारे डस्ट निकाल दिए। आप झाड़ू लगा कर देखेंगे, अब आपके घर इतने गंदे नहीं होंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।